इस वक्त मौजूद है हम गाजीपुर के विधानसभा जखनिया में, और जखनिया के यहाँ पे लोग काफी लोग इकट्ठा है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो रहा है और सातवें चरण का ये लास्ट चरण चल रहा है। 7 मार्च को यहाँ पे मतदान पड़ रहा है और काफी लोग यहाँ पे युवा है, काफी लोगों में उत्साह अपना मत देकर काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए इनसे हम जानेंगे क्या किस मुद्दे को लेकर अपना मत दिए हैं और क्या इनका मुद्दा रहेगा। आपने अपना मत दिया है, कैसा लगा मत दिया? अच्छा लगा। क्या अपना मत दिया? महंगाई बेरोजगारी का जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसी को मुद्दा लेते हैं जो है कि हम दूसरे सरकार को लाना चाहते हैं, जो हमारी जो है कि क्या करे सरकार, महंगाई कम करे, बेरोजगार लोग उनको रोजगार दे। आज पढ़े लिखे बच्चे जो है डिग्रियाँ लेके इधर उधर भटक रहे हैं, रोडों पे घामों में घूम रहे हैं, उनको नौकरी चाकरी मिल नहीं रही है, वो परेशानी हालत में झेल रहे हैं। बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, क्या बात है, बच्चे नौकरी चाकरी पाए, देश के भविष्य को आगे बढ़ाए ले जाए। आपने अपना मत डाला, कैसा लगा? सर यही विचार है, मैं कई साल से दौड़ रहा हूँ, एक तरीके पत्थर बना दिया, मैं भर्ती आई नहीं, ठीक है एकदम सर, देखा आई पर पैरवा पर किया गया भर्ती है ना, किसान सरकार का है क्या मुद्दा है? क्या आपका मुद्दा? हमारा यही मुद्दा, कोई भी सरकार आए तो हम लोग को निकाले, काफी सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह फालतू का सिलसिले बकरी लेकर चला रहे हैं हम लोग, खेत में दस्ते सारे उसको हटा रहे हैं हम लोग, कोई रोजगार नहीं। आपका पूरा मेन मुद्दा है रोजगार? जी सर, हमारा जी सर, क्या नाम है? कैसा लगा? क्या रहेगा समस्या? क्या किस क्या तरफ क्या अपना आपका जो मत है बहुत बहुमूल्य है, इसका बहुत योगदान है, क्या नाम? आपने अपना मत डाला है, क्या लगा, कैसा लगा, क्या चाह रहे हैं, क्या रहेगा बदलाव, कैसा होता है? सरकार में गया और अपना मत डाले हैं तो किस विचार, क्या सोच के डाले हैं, क्या इनका आपके यहाँ पे पूरे क्षेत्र में और विधानसभा में जो मत पड़ा है वो परिवर्तन के लिए पड़ा है, क्योंकि 5 साल जो 2017 में ये सरकार आई थी, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार नौजवानों के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ करेगी, लेकिन इन 5 सालों में इन्हें मायूसी मिली है और छुट्टा जानवरों से लोग इतने परेशान हैं कि रात रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में, गर्मियों में, बरसातों में पूरा खेत की रखवाली कर रहे हैं, और चूँकि रोजी रोटी का मसला है इसलिए छुट्टा जानवरों से लोग छुटकारा चाहते हैं और ये चाहते हैं ये सरकार जो आशाएँ और उम्मीद थी उस पर ये खड़ा नहीं उतरी। जहाँ तक किसानों की बात है तो उनके बारे में सिर्फ मैं यही कहूँगा कि बीजेपी किस कदर किसानों पर एहसान करती है, बीजेपी ये किस कदर किसानों पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। वर्तमान जो सरकार रही है, क्या इस सरकार में लोग खुश नहीं है? देखिए इस सरकार की सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा है, जो डिमेरिट रही है, वह आपसी भाईचारा, जो सर हमारे आईन में, संविधान में फ्रैटर्निटी का मामला है और समानता का मामला है, ब्रदरहुड का, भाईचारे का, उसको इस सरकार ने बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया है। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि मुगलिया काल में बने हुए जो हमारी इमारतें हैं उसको भी एक संप्रदाय से जोड़ा गया, मतलब कहने को यही है, एक शब्द निकलता है कि हाकिम वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, हाकिम वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। और लोग भी नौजवान मौजूद थे, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँ क्या किस मुद्दे को लेकर अपना मत दिए हैं और क्या बदलाव चाह रहे हैं, क्या आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आप बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी तो देख ही नहीं, रोजगार क्या करें, युवा घूम रहे हैं।
हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपना मत डाले तो क्यों डाले, किस विचार रखकर अपने मन में मत डाले हैं, क्या ना जगदीश, आपने अपना मत दे दिया, कैसा लगा आपका? ठीक, क्या मुद्दा मुद्दा सोचिए, मुद्दा ये महंगाई और बेरोजगारी क्या कुछ बदलाव किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पे काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, अपना मत बोले मत डाले काफी। विजवान अंसारी 4TV न्यूज के लिए गाजीपुर।